बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है, इट इज अबाउट माइग्रेशन। लास्ट टॉपिक में हमने नेविगेशन के हवाले से कुछ टेक्निक्स का जिक्र किया था। अभी जैसे मैं आपसे पूछा भी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइग्रेशन एंड नेविगेशन। कभी अगर आपने गूगल मैप यूज किया हो, तो गूगल मैप पे आप जब पाथवे फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो एक्चुअली आप नेविगेट कर रहे होते हैं, डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहे होते हैं। जब मीन डायरेक्शन फाइंड आउट करना, कोई स्पेसिफिक पाथवे फाइंड आउट करना, उसे हम कहते हैं नेविगेशन। जबकि माइग्रेशन के केस में एनिमल्स के अंदर ये एक लॉन्ग टर्म एक्टिविटी होती है। जैसा कि खिजरा बेटे आपने बोला कि वापस नहीं आते, डजंट मीन कि वापस नहीं आएंगे अपनी प्लेस पे। एनिमल्स माइग्रेशन करने के बाद वापस अपनी जगह पे आ भी सकते हैं, लेकिन उस माइग्रेशन में जो उन्हें पाथवे फाइंड आउट करने के लिए जिन सिग्नल्स को या जिन क्यूज को यूज करना पड़ता है, वो उसकी नेविगेशन है। नेविगेशन मीन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना। माइग्रेशन यूजुअली हम डिफाइन करते हैं इट्स अ लॉन्ग टर्म चेंज, एंड एनिमल्स माइग्रेशन दे कैन बी डिफाइंड एज परसिस्टेंट एंड वेरी डायरेक्ट मूवमेंट्स, टेकिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम वन लोकेलिटी टू अनदर क्लियर डिफाइंड लोकेशन एंड ऑफन टू अ डिफरेंट हैबिटेट। यूजुअली एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में जब ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं फॉर द सेक ऑफ फूड, सीजनल चेंजेस के दौरान, ब्रीडिंग पर्पजेस के लिए, वाटर के लिए, तो उसे हम कहते हैं ये उनकी माइग्रेशन है। माइग्रेशन में चेंज इन लोकेलिटी मेन पॉइंट होता है, जबकि नेविगेशन में पाथवे डायरेक्शन को फाइंड आउट करना होता है। एज फीट्स ऑफ नेविगेशन द लॉन्ग डिस्टेंस होमिंग बिहेवियर्स ऑफ पिजन्स आर सर्टेनली इंप्रेसिव। कि नेविगेशन की हम बात करके आए लास्ट लेक्चर में, देख होमिंग बिहेवियर ऑफ पिजन्स बड़ा एक इम्प्रेसिव सा उनका बिहेवियर था, कि बड़े लॉन्ग डिस्टेंसेस से वो अपनी डायरेक्शन को फाइंड आउट करके स्पेसिफिक साइट तक, स्पेसिफिक नेस्टिंग एरिया तक वो पहुंच जाते हैं। बट इन माय ओपिनियन द मोस्ट अमेजिंग एनिमल मूवमेंट बिहेवियर्स आर द पीरियोडिक मैस माइग्रेशंस अंडरटेकन बाय अ वाइड रेंज ऑफ स्पीशीज। राइटर कह रहे हैं कि उससे भी ज्यादा हैरानकुन चीज उसे लगती है, दैट इज लॉन्ग टर्म माइग्रेशन। जैसे आप माइग्रेटरी क्रेन्स के बारे में पढ़ते होंगे, जो साइबेरिया से एनुअली पाकिस्तान के अंदर मूव करती है। ये राइट साइड पे जो उन्हीं के हवाले से एक पिक्चर क्रेन्स की, एक फ्लॉक की जो है वो पिक्चर शो है यहाँ पे। अलोंग द वे अदर बिहेवियरल मोटिवेशंस, फॉर एग्जांपल ब्रीडिंग, इसको एक मोटिवेट कर सकती है माइग्रेशन के प्रोसेस को। शॉर्टेज ऑफ वाटर, शॉर्टेज ऑफ फूड इन एन एरिया, इट मे मोटिवेट द माइग्रेशन और माइग्रेटरी एक्टिविटी फॉर द मूवमेंट इन द नेक्स्ट एरिया। अ की फीचर ऑफ माइग्रेटरी मूवमेंट इज दैट that they have very distinct departing and arriving behaviors, क्योंकि वहां किसी specific habitat से निकलने के और arrive करने के बड़े specific से behaviors होते हैं। There are many types of behaviors which have been discussed over here. ये right side पे एक starling species आपको नजर आ रही है, और ये आपके पास butterflies की common species जो local migrations में involved होती हैं। First type of migration is daily migration. Many birds they make daily movements from the nest in response to environmental forces such as light, darkness ki wajah se, temperature changes, humidity. Daily migrations from the resting site to the feeding area is observed in many birds, almost in all birds, that for example crows hai, sparrows hai, ya starling shown on the right side. Aur iske ilawa local migration ka yahan pe zikr hai, that local migrations it includes occurs because of the heavy rain, flood, excessive cold and hot. Return to that area when crisis is over. Local migration में ऐसा होता है कि animals usually किसी जो है आपके लिए disaster change की वजह से, flood की वजह से, rain की वजह से, जब एक point से दूसरे point पर move करते हैं तो वहां पर return भी होंगे, return भी करेंगे. Flowering of certain plants and ripening of fruits, ये भी एक मोटिवेशन फैक्टर होता है, ये भी कॉज कर सकता है बर्ड्स को या एनिमल्स को फॉर देयर लोकल माइग्रेशंस, कि वो फ्लावर्स की तरफ, फ्रूट्स की तरफ मूव करें। अनदर टाइप ऑफ माइग्रेशन डिस्कस्ड ओवर हियर इज सीजनल, एंड ऑब्वियसली इट इज इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशंस। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज, जो स्पेशली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, वहां पे यूजली ये होती है एट द बिगिनिंग और एंड ऑफ वार्म सीजन। टेम्परेट एरिया में द मूवमेंट इज ट्रिगर्ड बाय ऑनसेट ऑफ विंटर्स। माइग्रेटरी क्रेन्स की हम बात कर रहे थे, जो
जो विंटर्स के अंदर साइबेरिया की जो है वो एरिया से मूव करके तो यहाँ पे पाकिस्तान में सिंध के एरियाज में माइग्रेट करती हैं। वो बेसिक एक एग्जांपल है, सीजनल माइग्रेशन है। वो मोल्ट माइग्रेशन भी कुछ होती हैं। फॉर एग्जांपल मोस्ट डक्स मेल्स एंड जुविनाइल्स बर्ड्स माइग्रेट शॉर्ट डिस्टेंसेस नॉर्थवर्ड फॉर मोल्टिंग लिविंग बिहाइंड द फीमेल्स एंड यंग बर्ड्स इन ब्रीडिंग ग्राउंड के जस्ट मोल्टिंग पर्पस के लिए कुछ डक्स या कुछ दूसरे बर्ड्स मूव करते हैं। फिर कुछ साइक्लिक माइग्रेशंस का जिक्र आता है। दोज माइग्रेशंस विच आर सीजनल बट डू नॉट अकर एट रेगुलर इंटरवल्स। फॉर एग्जांपल स्नोई ऑल इन सर्च ऑफ लेमिंग्स इन यूएस इन विंटर इज अकर इन 3 to 5 years। ये स्नोई ऑल की पिक्चर राइट साइड पे जो है वो शोन है, इसमें नजर आ रही बेटे। और पार्शियल माइग्रेशन, all the birds of migratory bird do not leave the native land and hence are always represented by certain individuals. For example, finches ya titmouse birds hain. Ye right side pe titmouse bird ki picture aapko nazar aa rahi hai beta. Ye partial migration show karte hain ki kuch individuals hain wo baki reh jayenge native area mein. Irregular migrations for the dispersal of short or long distances for the sake of food and safety. The birds can also swept away by powerful wind as well as hurricanes to very long distances. So, ye bhi ek irregular cause ya reason ho sakti hai kisi bird ki locality ya kisi animal ki locality change hone ki. Animals kyun migrate karte hain? The animal migrates because it benefits them to do so. Isse unko zahir hai benefit mil raha hota. For example, it may allow them to escape the rigors of winter or enable them to reproduce in a safe and a particularly reproductive environment. Migration may benefit animals in various ways. That water ki search mein bahut se animals move karte hain, jaise herd of elephant shown hai. Usually inki migration jo aap observe karte hain ya jo National Geographic pe aapne kabhi agar inko dekha ho inki documentaries ko, to for the sake of water, jab ek jagah pe water shortage ho jati hai to ye जहां पे वाटर मौजूद हो उसके लिए माइग्रेशन कर रहे होते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर करके। बट देयर आर कॉस्ट ऑफ माइग्रेशंस टू। फायदा तो होता है अल्टीमेटली, लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ कीमत भी चुकाना पड़ती है भाई, नुकसान भी हैं इसके। द ऑफन लॉन्ग जर्नीज आर आर्डुअस इन देमसेल्व्स, थका देने वाले होते हैं और जाहिर है इतना ईजी नहीं होता इतना लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो कवर करना सब एनिमल्स के लिए। एंड इन टूडेज क्विकली चेंजिंग वर्ल्ड रिलायंस ऑन नॉट वन but two habitats and possibly staging areas between them places a number of species in a position of considerable conservation concern. Jab animals ek se zyada habitat pe depend kar rahe hote hain apne life cycle mein to unko zyada threat hai, ek to movement ke duran, dusra agar kisi ek habitat pe bhi is changing world ke duran koi change aa gayi hai, koi road ban gaya wahan pe, koi buildings development shuru ho jati hain, to agar koi ek habitat bhi threat mein aa gaya to animal ka jo survivor hai वो खतरे में पड़ सकता है। That's why use of two habitat instead of one it's dangerous as well. Beneficial तो होता है कुछ points पे seasonal changes के दौरान, लेकिन ये dangerous भी हो सकता है। Migration के हवाले से यहाँ पे salmon की example दी गई है, green turtles की example दी गई है। Green turtles की species जिसको जिक्र किया है Chelonia medus और salmon जो है वो Oncorhynchus naica। ये सेकेंड जो पिक्चर आपको नजर आ रही है फर्स्ट ग्रीन टर्टल की है, सेकेंड जो सामन है सॉक आई सामन और एक है ब्लैक कैप वार्ब्लर्स। ये थर्ड जो बर्ड नजर आ रहा है दैट इज ब्लैक कैप वार्ब्लर, सामन, सॉक आई और ये है बेटा ग्रीन टर्टल। इन तीनों स्पीशी के हवाले से बेटा यहाँ पे जिक्र किया गया देयर माइग्रेशन सीम टू हैव लिटल इन कॉमन। उनमें कुछ चीजें जो कॉमन है जिनको यहाँ पे elaborate किया गया है, discuss किया गया है। What is that? But when it comes to migration, they do face a similar problem. Of problem क्या है? How do they navigate through thousands of kilometers of unfamiliar substratum, unfamiliar areas, and then arrive at particular destination? And in case of some returning individuals to within meters of a site that they have used in the past, कि उसी site पे आना या उसकी locality में उसके कुछ meter distance पे आना जो एक साल पहले या past में उन्होंने use की थी। Try for a moment to imagine
how challenging it must be to carry out research in this area, कि उनके बारे में consider करें जो इस area में research करते हैं, कि एक animal move किया और migration के बाद जो है वो कई सालों के बाद ये बाज़ुकात annually अपनी locality पे अपनी position पे वापस आया, तो इस पे research करना भी उतना ही मुश्किल है जैसे इन animals को जो है वो मुश्किलात का सामना होता है. The turtle journey, it involves the animal shuttling back and forth over 2500 kilometers of the open Atlantic Ocean between the coast of Brazil and Ascension Island. Thousands of salmon fry must leave the breeding rivers for every fish that eventually return. Apni breeding site pe ne jo hai wo mature hone ke baad return karna hota hai. Diatomaceous species actually, making it almost impossible to follow an individual progress. And any laboratory-based research involving these animals must also take into account the physiological transition made by an animal as they move from fresh water to salt water and back again. बेटा diatomaceous fishes का सुना होगा आपने, वो fishes जो fresh water और salt water दोनों जगहों पे survive करती हैं, दोनों जगहों पे रह सकती हैं, migrate करती हैं. Salmon, trout, ये चंद एक examples इसकी आती हैं. But despite these difficulties, some impressive advances in our understanding of migration have been made. कि जाहिर है एक fresh water और फिर marine water की जो conditions हैं बड़ी challenging, बड़ी different हैं, उसके लिए animal को adapt करना पड़ता है और उसके हवाले से कुछ research के बाद जो है वो understanding develop हुई भी है. In terms of the ability of animals to navigate over long distances, it seems likely that animal use the same cues during migration as well. हमने पढ़ा था कि different senses को एक पिजन यूज करता है होमिंग बिहेवियर के दौरान, जिसमें स्मेल है, जिसमें वीएन है, लैंडमार्क का यूज है, मैग्नेटिक फील्ड है और इवन ऑडिशन हियरिंग की जो सेंस है उसको भी वो यूज कर रहा होता है. और जो बायोलॉजिकल रिदम्स हैं, एक्सटर्नल जो इफेक्ट फैक्टर्स हैं, उनको भी वो साथ साथ यूज करेंगे. इट इज वेल डॉक्यूमेंटेड दैट द सन, स्टार्स एंड पोलराइज्ड लाइट फील्ड्स आर यूज्ड एज अ कंपास बाय बर्ड्स एंड सॉमन are known to use their sense of smell in this case. अगर उन्हें दोबारा अपने spawning ground पे जाना है तो अपनी sense of smell के through हो जाते हैं. It means उन्हें वो smell को memorize किया होता है, वो smell उनको याद होती है उस specific habitat की और वापस उस जो area तक पहुंचते हैं. When it comes to finding a very specific location at one or other end of the migratory journeys, a territory, an area that had been used in the previous year, for example, local landmark recognition के बाद, ये भी एक क्रूशियल पॉइंट होता है कि सेंस ऑफ स्मेल को भी वो यूज कर रहे होते हैं. अच्छा, माइग्रेशन के क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, हैजर्ड्स क्या है माइग्रेशन के. माइग्रेशन के दौरान जो है वो टू कैटेगरीज हैं, एक नेचुरल हैजर्ड्स है और दूसरा मैन मेड. नेचुरल में ये है कि क्लाइमेट चेंज इसको डिस्टर्ब कर सकती है, ड्रफ्ट खुशहाली से ऐसा हो सकता है, फूड सप्लाई या फूड चेन अगर डिस्टर्ब हो जाए, प्रीडेटर्स से सामना करना पड़ता है रस्ते में, फिजिकल डिमांड्स जो माइग्रेशन की है उनको मेट करना पड़ता है. एंड जर्नी इज ऑब्वियसली टायर्सम टू, थका देने वाला होता है जो कि एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इन एनिमल्स के लिए. मैन मेड हैजर्ड्स क्या है, बैरियर्स बिल्ड हो जाते हैं, रोड्स, डैम्स, फेंसेस, स्काईस्क्रैपर्स, वाटर, एयरक्राफ्ट, फिशिंग प्रैक्टिसेस, ये सारी डिस्टर्ब करती हैं. टेलीग्राफिक वायर्स, टावर्स, लाइट हाउसेस, ये सारे मैन मेड जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये भी प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं फॉर द माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स एज वेल एज animals which are moving in the water. अच्छा, migration में जैसे हम pigeon की कल बात कर रहे थे कि उनकी navigation को understand करने के लिए उनकी magnetic field को study किया गया. In the same way जो migratory turtles हैं उनके ऊपर भी ऐसे ही कुछ experiments के बाद observe किया गया कि उनकी जो migration की ability है उसमें जब वो navigate कर रहे होते हैं कुछ specific direction उन्हें find out करनी होती है उस movement के दौरान, उस migration के दौरान, तो उसमें वो भी मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं. दे मेक यूज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज वेल. फॉर एग्जांपल, बोथ माइग्रेटरी बर्ड्स एंड टर्टल्स, दे आर एबल टू सेंस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एंड देन टू यूज इट फॉर द नेविगेशन. जुवेनाइल टर्टल्स फॉर एग्जांपल आर सर्टेनली सेंसिटिव टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स इन द लेबोरेटरी. लेकिन एक रिसेंट स्टडी में, एक्सपेरिमेंट में ये शो हुआ दैट इन्वॉल्व स्ट्रैपिंग मैग्नेटिक मैग्नेट्स टू द बैक ऑफ द माइग्रेटिंग एडल्ट टर्टल्स and then monitoring their progress via satellite tracking have failed to show the expected disruption in their migrating ability. It means jo adult turtles hain unme magnetic field ke alawa dusri senses bhi hain
जो उनको माइग्रेट में माइग्रेट करने में हेल्प कर रही है. इन दिस केस देन इट वुड सीम दैट आइदर द मैग्नेटिक सेंस इज नॉट इम्पॉर्टेंट और दैट द एनिमल्स आर एबल टू यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट सोर्सेज. या तो मैग्नेटिक सेंस हेल्प नहीं करती या फिर एनिमल मैग्नेटिक सेंस के अलावा दूसरे लैंडमार्क्स दूसरे सोर्सेज पे भी डिपेंड कर रहे होते हैं. एनुअल माइग्रेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन सिल्वर आईज, ये बर्ड हैं, बड़े ब्यूटीफुल बर्ड्स, राइट साइड पे फिंच साइज स्पैरो साइज बर्ड नजर आ रहा होगा. ड्यू टू देयर स्पेसिफिक कैटेगरिस्टिक सिल्वर आईज, इनको सिल्वर आईज का नाम दिया जाता है. और इसकी स्पीशी के हवाले से डिस्कस किया गया दैट दे माइग्रेट बिटवीन टैस्मेनियन ब्रीडिंग ग्राउंड्स एंड देयर ऑस्ट्रेलियन नॉन ब्रीडिंग क्वार्टर्स कैन हाउएवर बी अफेक्टेड इफ द बर्ड्स मैग्नेटिक सेंस इज डिस्टर्बड. अगर इनके साथ मैग्नेटिक जो है वो सेंस को डिस्टर्ब किया जाए किसी ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट के बाद, डिवाइडिंग के बाद, ये कल जो हमने एक नेचुरल स्टॉर्म्स की बात की थी कि मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो सकती है नेचुरली भी, तो इन एनिमल्स की माइग्रेशन पे असर पड़ता है. ये वॉल्व गैंग की साइंटिस्ट का जिक्र है, राइट साइड पे इसकी पिक्चर शोन है. ही ऑब्जर्व्ड विद हिज कोलीग्स दिस सब्जेक्टेड माइग्रेटिंग बर्ड्स टू अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पल्स. दे फाउंड दैट द ओरिएंटेशन बिहेवियर ऑफ देयर ऑब्जेक्ट्स डिफर्ड सिग्निफिकेंटली टू दैट ऑफ देयर अनट्रीटेड कंट्रोल बर्ड्स. के बर्ड्स को जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पल्स दी गई तो उनका जो बिहेवियर था बेटे वो डिस्टर्ब हुआ माइग्रेशन का. जैसे ओरिएंटेशन बिहेवियर ऑफ सिल्वर आईज बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट विद शॉर्ट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पल्स. ये अल्फा डायग्राम जो है ये कंट्रोल की है, बीटा में डे 1, 2 एंड 4 उस ड्यूरेशन में जो मैग्नेटिक पल्स है, डे 5 to 8 एंड डे 10 एंड लेटर. द कंट्रोल ओरिएंटेशन बिफोर द पल्स कि उसमें प्रॉपर जो है वो अपनी डायरेक्शन तक पहुंच रहे हैं बर्ड्स. द एरोज रिप्रेजेंट द मीन वेक्टर्स ऑफ 10 बर्ड्स बेस्ड ऑन 8 or 9 रिकॉर्डिंग ईच. The triangles at the periphery of the circle indicates the respective mean directions. कि respective mean directions हैं तकरीबन उसको वो find out ये जो triangles show हो रही हैं उन areas में वो settle down हो रहे हैं. But the B to D the triangles represent the headings of the 10 birds on the days shown. Day 1 में जो उनकी treatment after disturbing with magnetic pulse and up to day 10. तो आप देख रहे हैं कितनी disruption हुई है शुरू में भी 5 to 8 डेज में भी और लेटर ऑन भी. उनकी जो एक डायरेक्शन थी स्पेसिफिक डायरेक्शन वो जो है आपके लिए मैग्नेटिक पल्स के बाद शुरू में भी डिस्टर्ब रही काफी ज्यादा डे 1 to 4 5 to 8 और बाद में जब उसका इफेक्ट उस पल्स का कम होना शुरू हुआ तो उनकी डायरेक्शन फाइंडिंग एबिलिटी में फर्क तो पड़ा है लेकिन नेविगेशन जो एबिलिटी है वो दोबारा से रिक्लेम या बहाल होना इसमें स्टार्ट हो गई है इन पिक्चर्स के अंदर. From these results, the conclusion may be made that adult silver eyes rely upon magnetic field information during their migratory journeys. ये silver eyes यहाँ पे भी आपको दो birds बने हुए नजर आ रहे होंगे. ये magnetic field पे depend कर रहे होते हैं भी during migratory activities. And with age, one assumes come experience जैसे जैसे gain होता है तो दूसरे जो landmarks होते हैं, दूसरे जो resources होते हैं बेटा उनको भी use कर रहे होते हैं. The difference in experience had led the Wolfgang and his team to suggest that in this case, magnetic field information is used as a map rather than as a compass. कि वो map के तौर पे magnetic field को use करते हैं, सिर्फ उसमें direction find out नहीं करते. The logic of this suggestion is as follow. इसकी वजह क्या थी? The adult test birds and adult control birds are familiar with the range of navigational factors in both their non-breeding and breeding areas and along the migratory route between them. इसके अलावा बेटे they have therefore had ample opportunity to fully develop navigational map. कि वो दूसरे सिग्नल्स को मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हुए इन बर्ड्स ने अडल्ट बर्ड्स ने एक जो है मैप बिल्ड कर लिया होता है जो उनको हेल्प करता है असिस्ट करता है फॉर माइग्रेशन इन दिस एरियाज. बर्ड्स दे मेक यूज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज अ मैप एज वेल जैसा कि इन सिल्वर आईज में बात की गई है. The fact that juveniles were unaffected by the magnetic pulse suggests that it does not affect compass sense. And the effect that it has on the adult birds must therefore be affecting their map sense. कि अगर adult की magnetic field disturbed है, तो उनके जो map built था, उसमें disturbance आई. एक बेटा यहाँ पे concept है Zeugenreuth.
ज़िगन रिव एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आपने याद रखना है, ये जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है। ज़िगन माइग्रेशन और अनरिव जो है वो रेस्टलेसनेस से है। एनिमल्स के अंदर माइग्रेशन के दौरान माइग्रेटरी रेस्टलेसनेस को ज़िगन रिव का नाम दिया जाता है। एंड अंडर कन्फाइनमेंट दे विल अटेम्प्ट टू फ्लाई, बर्ड्स की अगर बात की, बर्ड्स में ज्यादा कॉमन है स्पेशली, क्योंकि वो लॉन्ग डिस्टेंसेस पे जब माइग्रेट कर रहे होते हैं तो उसमें उनको रेस्टलेसनेस का सामना हो सकता है, थक सकते हैं वो। एंड अंडर कन्फाइनमेंट दे विल अटेम्प्ट टू फ्लाई इन द डायरेक्शन ऑफ देयर प्रेफर्ड माइग्रेटरी रूट इफ दे आर केप्ट इन अ फनल शेप्ड केजेस, जिनका अपर एरिया जो है वो स्काई की तरह नजर आ रहा हो, जिसको यूजली बर्ड्स है वो यूज कर रहे होते हैं। इट इज जर्मन कंपाउंड वर्ड कंसिस्टिंग ऑफ ज़र्ग मूव माइग्रेशन एंड अनरिव एंजाइटी या रेस्टलेसनेस को रेफर कर रहा होता है। और जाहिर है एक कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी के बाद ये बर्ड्स में एनिमल्स में ऑब्जर्व हो सकती है। द प्रीवियस डिस्कशन सजेस्ट दैट देयर आर इननेट कंपोनेंट्स टू माइग्रेटरी नेविगेशन। अब इसकी जो है वो कॉजेस हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि माइग्रेशन की कॉजेस क्या क्या हो सकती है। Further evidence that this is certainly the case has come from the very impressive body of work on the migratory behavior of European black cap warbler. Ki innate components hote hi hain, but there are other components, other causes as well. Discrete breeding populations of these warblers migrate to discrete wintering grounds. Ki right side pe male, upper end pe aur lower end pe jo female bird jo hai usko show kiya gaya. Hungarian black caps फॉर एग्जाम्पल ये भी इसी तरह के हैं कि इनका अपर एंड जो है ना हेड रीजन ब्लैक होता है तो उनको ब्लैक कैप्स का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल माइग्रेट थ्रू द बाल्कन्स एंड टर्की टू विंटर इन ईस्ट अफ्रीका, वाइल्स जर्मन पॉपुलेशन जनरली माइग्रेट थ्रू स्पेन टू विंटर इन वेस्ट अफ्रीका। ये कुछ एग्जाम्पल्स इन्होंने साइड किए हैं। जनरली बिकॉज इन रिसेंट ईयर्स सब पॉपुलेशन ऑफ जर्मन ब्लैक कैप्स हैव स्टार्टेड टू विंटर इन द यूके, मतलब उन्होंने अपना माइग्रेटरी बिहेवियर थोड़ा चेंज भी किया है। Trapping black caps in the UK during winter and then fitting them with leg wings to enable the relocation of the birds on their breeding territories showed that this population originated in a particular region of central Germany. और वहाँ से वो migrate करके जो है वो UK में settle down हुए या वहाँ पे move किया उन्होंने। तो बेटा ये कुछ examples हैं birds के अंदर जो movement के use करते हैं। Berthold compared the migratory orientation of these central German birds with neighboring साउथ वेस्ट जर्मन बर्ड्स, उनको कंपेयर किया गया एंड फाउंड दैट द सेंट्रल जर्मन बर्ड्स आर ओरिएंटेड वेस्टवर्ड, वो वेस्ट की तरफ जो है मूवमेंट करते हैं, एंड यूके जो है वो साउथ वेस्ट वेस्टर्न जर्मन बर्ड्स। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है सिंपल सा, इसको समझ ले तो आपको जो जेनेटिक्स का रोल है ना इसमें वो क्लियर हो जाएगा। द वाइट ट्राइंगल्स इन दिस डायग्राम, ये जो वाइट ट्राइंगल्स आपको इसमें नजर आ रही है, दे आर शोइंग द माइग्रेटरी डायरेक्शंस टेकन बाय अ सैंपल ऑफ ऑस्ट्रियन ब्लैक कैप्स। एंड द लाइट कलर्ड ट्राइंगल्स, ये जो यहाँ पे नजर आ रही हैं, ये किसको शो कर रही हैं? डायरेक्शंस टेकन बाय जर्मन बर्ड्स। ऑस्ट्रियन बर्ड्स और जर्मन बर्ड्स की डायरेक्शन जो है ईस्टवर्ड या ईस्ट साउथवर्ड, ये ऑस्ट्रियन बर्ड्स, और साउथ वेस्टवर्ड ये है जर्मन बर्ड्स। जब इनको ब्रीड करवाया गया तो इनके जो हाइब्रिड्स थे, जस्ट लुक एट दिस हाइब्रिड, इस सारे एरिया में ईस्ट टू वेस्ट जो रेंज है, ईस्ट साउथ साउथ वेस्ट, उसको जो है वो कवर कर रहे हैं। हाइब्रिड बिटवीन द टू डार्क कलर ट्राइंगल्स, ये डार्क कलर ट्राइंगल्स हाइब्रिड्स है, दे फेवर इंटरमीडिएट डायरेक्शन। सो इसका मतलब है एवरेज डायरेक्शन इज इन, ये जो है इनके अंदर ऑब्टेन हुई है आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। इट मीन्स देयर इज अ जेनेटिक फैक्टर एज वेल जो बर्ड्स को माइग्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करता है। तो बर्ड्स बाकी सेंसेस को यूज करने के साथ साथ जेनेटिक्स और इंटरनल फैक्टर्स को यूज कर रहे होते हैं। इस तरह एनिमल्स भी माइग्रेशन के दौरान नेविगेट करते हुए एक्सटर्नल लैंडमार्क्स, एक्सटर्नल क्यूज, सीजनल वेरिएशंस या अपनी दूसरी सेंसेस, मैग्नेटिक फील्ड की, स्मेल की, ऑडिशन की, उनको यूज करते हैं फॉर द माइग्रेशन टू द स्पेसिफिक एरिया।